चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम वेट केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री स्टार स्लाइडिंग ऑन अ कांस्टेंट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कितना होगा। जैसे इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है 30 डिग्री और ये ब्लॉक है और इस पे अर्थ की ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी mg, तो ये कंपोनेंट अगर ये 30 डिग्री है तो ये mg cos 30 डिग्री होगा और अलोंग द प्लेन यानी प्लेन के पैरेलल होगा mg sin 30 डिग्री और नॉर्मल रिएक्शन n क्या होगा mg cos 30 डिग्री के इक्वल होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू इंटू एन, ठीक है। तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू एम जी कॉस 30 डिग्री। तो अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से चलना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर इसको मूव करना है, इसका मतलब एम जी साइन 30 और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। एम जी साइन 30 नीचे की तरफ जो लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो mg sin 30 की वैल्यू अगेन पुट कर लेते हैं, fr is equal to mu into n, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है mg cos 30 डिग्री और इधर है mg sin 30 डिग्री, mg से mg कटा, tan 30 is equal to mu होगा, ये mu is equal to tan 30, tan 30 की वैल्यू 1 by root 3 होता है, तो mu is equal to 1 by root 3, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और यानी ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज जिस केस में mg sin 30 और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।